फेस टॉप 10 न्यूज के प्रायोजक है डॉल्फिन फुटवेयर, बदल दे चलने का अंदाज, सर्वकोन रखे सब कंट्रोल में, अल लतीफ हजन उमरा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के CWC की बैठक में कश्मीर के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर को बंधक बनाकर शासन कर रही है। खबर सुनने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा जनता को राज्य की सच्चाई से अवगत कराएं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में 12 घंटे चर्चा के बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। काफी समय से अध्यक्ष पद खाली पड़ा था। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सहित तमाम सीनियर लीडरों ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को वक्त की जरूरत बताया। जम्मू कश्मीर में धारा 144 में थोड़ी ढील के बाद फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हालात सामान्य है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के कश्मीरी बहू लाने के बयान कर राहुल गांधी सहित बहुत से नेताओं ने निंदा की है। इसी श्रृंखला में मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि देश की बेटियों का नहीं तो कम से कम अपने पद और उम्र का तो ख्याल करो, ऐसी जहालत से अपना बनाओगे कश्मीरी भाई बहनों को। लखनऊ के एक व्यापारी अब्दुल करीम ने सौजात नस्ल के 3 विदेशी बकरे 22 लाख में बेच दिए। सौजात नस्ल के बकरे अच्छे मांस के लिए जाने जाते हैं। करीम के अनुसार 18 महीने पहले उसने यह बकरी के बच्चे 20,000 में खरीदे थे। इनकी रोज मालिश की और इन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाया और अब इनका वजन 220 किलो है। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह अपने सहयोगी सांसदों की वजह से ही सही तरीके से सदन को चला पाए। उन्होंने कहा, पहले जब सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती थी तो मुझे बुरा लगता था। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अभी तक कर्फ्यू न हटाए जाने पर फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पदाधिकारी से अपील करती हूं कि कश्मीर से नाकाबंदी को हटा देना चाहिए। लोग ईद और अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर काफी चिंता में हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को हटाए जाने का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जबरदस्त तारीफ की। इन्होंने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी से तुलना की है। एक्ट्रेस सौरभ भास्कर ने शाहरुख खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि शाहरुख सर का जितना आलिशान घर मन्नत है उतनी ही सुंदर उनकी वैनिटी वैन है। उन्होंने बताया कि शाहरुख की वैनिटी वैन का बाथरूम 1 BKH जितना बड़ा है और वह दुनिया की खबरों के साथ अपडेट रहते हैं। यह थी आज की टॉप 10 खबरें। इन टॉप 10 खबरों के प्रायोजक है डॉल्फिन फुटवेयर, बदल दे चलने का अंदाज। और इस तरह की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे फेस ग्रुप यूट्यूब चैनल को।